किसान साथियों नमस्कार। आज हम एक मशीन परचेज करके लेके आए हैं जो खेत में दवाई का छिड़काव करते हैं, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मशीन हमको कितने में मिली है और मैंने कहाँ से परचेज की है और इससे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं और इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं आज वो हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। नई मशीन मैंने परचेज की है, ये कंपनी, इस कंपनी का नाम है हाई मार्क कंपनी की मशीन है जो मैंने आज ही अभी परचेज की है। 16 लीटर की है ये, इसमें लिखा हुआ है ये 16 लीटर और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये बैटरी से चार्ज होती है, इसके सारे चार्जर वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट इस गत्ते के अंदर हैं और ये 2450 रुपये की मुझे मार्केट में मिली है, आज ही मैंने परचेज किया है। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें कैसे क्या है। किसान साथियों, इसके साथ हमें एक ये मिलता है सेट करने का, कैसे क्या सेट कर दिए किया जाता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के प्रोसेस में दिए गए हैं कैसे क्या सेट किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें सेट करके दिखाऊंगा कैसे क्या सेट होता है इसमें, देन मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ और उसके बाद में फिर इसकी क्वालिटी के बारे में भी मैं बताऊँगा आपको क्या कैसे है। तो किसान साथियों, आप देखिए इसको, पहले आप यहाँ से इसको ऐड करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ये टाइट कर देते हैं, देन आपने यहाँ इसको टाइट कर दिया, इसको यहाँ पे आप रख देंगे, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इसके बॉक्स को खोलते हैं, इसमें देखते हैं कोई और भी इसमें ये होंगे, ये इसमें इसके आगे इसके और भी सामान दिए गए हैं। ये आगे इसमें ये जो होता है ये जो पौधों पे फुहारा बनाता है इसको आगे सेट किया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सेट करेंगे इसको। देखिए किसान साथियों, मैंने इसको आगे का ये इसका पॉइंट जो है सेट कर दिया और ये जो होता है ये इसका स्प्रे करने का ये होता है, ये इससे यहाँ से आप जब इसको दबाएंगे तब यहाँ से ये इसका स्प्रे होता है, इसको आप कैसे भी सेट कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, और आप इसको भी सेट कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार आप चाहें तो ये सेट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद देन आप इसको, इसमें एक गन मशीन टाइप का होता है, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। इसमें कई सारे नॉजल दिए गए हैं जो आपकी सुविधा अनुसार जो है आप अपने सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं। साथियों इसके अंदर मैं देखता हूँ, इसके अंदर एक चार्जर मिलता है आपको, ये चार्जर है, ये जो चार्जर है इसको इसमें कैसे इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, ये इसका पॉइंट होता है, प्लग में लगाते हैं, देन इसको हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लगाने का, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये इसका ये ढक्कन होता है, यहाँ पे ये बंद होता है, देन आप इसमें इसको लगाएंगे, जैसे इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको लगा के, ये आपने लगा दिया, अभी ये यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट भी बताने लगा, ये चार्जर सही है, आप यहाँ चार्जिंग लगाएंगे देन चार्ज होने लगेगी। ये मैंने इसको रख दिया, अभी मैंने इसका दिखा दिया आपको, देन नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। इसको मैं किसान साथियों अब यहाँ पे रख देता हूँ और इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, और कुछ तो है नहीं, अभी मैंने इसमें चेक कर लिया, इसमें कुछ नहीं, इसको इसमें मैं बंद करता हूँ। ये जाली होती है, ये आप हमेशा इसको लगा के ही पानी डालें क्योंकि जो इसमें कचरा वगैरह होता है वो अंदर ना जाए, क्योंकि नाजिल में अगर फंस जाएगा तो आपको समस्या हो सकती है। किसान साथियों अब अगला प्रोसेस ये है कि आपको इसमें पाइप जो है वो टाइट करना है, यहाँ पे वो होता है ऑप्शन होता है, यहाँ से इसको आप ओपन कर लेंगे किसान साथियों, इसको आपने ओपन कर दिया, देन आपको अब चेक करना है ये वाला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। देखिए किसान साथियों, मैं इसको टाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है,
दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में कैसे इसको टाइट करते हैं, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसान साथियों इसको। तो यहाँ से टाइट हो जाएगा, ये यहाँ टाइट हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस जो होता है, मुझे लगता है ये मुझे छोटा लग रहा है, बट इसे दाब के जो है इसे अंदर डालना होता है मेरे ख्याल से। किसान साथियों एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगी ये। यहाँ पे एक ये पॉइंट होता है, इसको निकालने के बाद देन जो है यहाँ पे ये लगाई जाती है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को आप निकाल देंगे देन आपको यहाँ से ये टाइट कर देना है। किसान साथियों देख सकते हैं मैंने इसको टाइट कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अब किसान साथियों मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसका हम टेस्ट चेक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके पानी को खींचना पड़ता है मुंह से। ये देखिए आप, ये चुकड़ा चल रही है ये यहाँ से, अब इसको आप बंद कर देंगे। मैंने इसको बंद कर दिया, देन जो है अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं इसके यहाँ पे। अब किसान साथियों मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसके जो है ये ढक्कन को मैं बंद कर दूंगा। मैंने ये सारी चीज़ सेट कर दी। अब मैंने आपको चार्जर के बारे में बता दिया, चार्जिंग पे कैसे लगाते हैं। देन आपको ये सारे जो नाजिल हैं इसके सामने जो इसमें लगते हैं, आप जो चेंज करना चाहते हैं अपने उसके हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। आप कौन सा नाजिल सेट करना चाहते हैं वो सारे मैंने दिखा दिया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं कभी भी लगा सकता हूँ। किसान साथियों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये अब ये लगाया जाएगा क्योंकि ये पीठ पे टांगते हैं, इसी के सहारे से पीठ पे टांगते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे लगाया जाता है। देख रहे हैं किसान साथियों कैसे लगाया जाता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पॉइंट से डालेंगे इसको, देन यहाँ से ये मैंने इसको देखिए, इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया इसमें। आपने सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। सेकंड वाला भी सेम प्रोसेस से लगेगा। किसान साथियों ये मेरे पूरा लग के रेडी हो गया है। देन आप यहाँ पे इसका पॉइंट होता है, यहाँ पे आप इसको फंसा देंगे, देन ये आपकी टंकी जो है रेडी है। आप देख सकते हैं किसान साथियों मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, अब ये पूरा दवाई डालने के लिए रेडी है। और आप देख सकते हैं ये मैंने सेट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ अब इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको एक बार। इसको टांगने का प्रोसेस है, ये टांग सकते हैं आप, देन मैं वैसे आपको दिखाता हूँ चला के आपको। किसान साथियों रेडी है, आप देख सकते हैं इसका प्रेशर कितना अच्छा है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी मशीन है, आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये टाइट मुझे लगता है टाइट नहीं हुआ है सही से। मैं इसको टाइट कर देता हूँ, तो मैं टाइट करता हूँ एक बार।
देखिए किसान साथियों कितने अच्छा से मैंने सेट कर दिया इसको, आप ऐसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो किसान साथियों आप देखे होंगे मैंने इसको पूरा आपको सेट करके दिखा दिया, तो आप ये मशीन मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। मैंने तो अभी तक परचेज नहीं की थी क्योंकि अब पर डे दवाई डालनी होती है तो समस्याएं क्रिएट हो रही थी, इसी वजह से मैंने जो है अभी इस मशीन को परचेज कर लिया है। और अब मैं इसमें कल इससे दवाई का छिड़काव करूंगा क्योंकि कल मुझे काफ़ी मात्रा में दवाई डालनी थी, तो मैं शॉप पे गया तो मशीन जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, कहीं मार्केट में उन्होंने दिया था, तो मैंने ये न्यू मशीन परचेज कर ली है और काफ़ी अच्छी मशीन है। अब मैं यूज करता हूँ फिर देखता हूँ क्या इसका कैसे कंडीशन है, कितने दिन क्या कैसे चलती है। फिलहाल आप भी वैसे आप 20 रुपये दे के मशीन ले आते हैं, मैं तो कहता हूँ आप मशीन परचेज करिए, तुरंत मत करिए अगर आप खेती कर रहे हैं तो, बट आप थोड़े दिन में मशीन परचेज कर लीजिए। तो किसान साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मशीन परचेज करिए और मेरा वीडियो देखिए। तो किसान साथियों मैंने छिड़काव करके आपको दिखा दिया कि कैसे क्या ये काम करती है। अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रही होगी लाइट, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ये मशीन अब ऑफ हो चुकी है। तो किसान साथियों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट में बताएं आप मशीन कैसी है, प्राइस रेट सही है या नहीं सही है, क्योंकि आप लोग को जानकारी होगी कि कितने में मिलती है कितने में नहीं मिलती, बट मुझे मशीन का प्राइस थोड़ा अच्छा लगा और मशीन भी काफ़ी अच्छी है। मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम लिया, अब यूज करूँगा तो वैसे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आप देखिए परचेज करिए और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप छोटी छोटी जानकारी पाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और अगर किसी को खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए, दवा के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जहाँ से मैं दवा परचेज करता हूँ उनका नंबर बिहारी खाद भंडार के नाम से नीचे लिखा होगा, उसमें आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको उचित तो बहुत अच्छी दवाई मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे वो। अगर आपको कोई समस्या होती है पौधे में तो उसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो किसान साथियों तब तक के लिए नमस्कार, मैं क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।